partnership with the needy. Vision 2026. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. आज के इस जलसे के मेहमान मौजूद और मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट काली जनाब मुहम्मद बिन साहब डिप्टी सीएम स्टेट तेलंगाना स्टेट जमा इस्लामी हल्के आंध्र प्रदेश के सदर जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब मलिक मोहम्मद खान साहब स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर और डाइस पर मुख्तलिफ जिम्मेदारान मिल्लत आज का ये बड़ा अहम ही खुशी का मौका है। हैदराबाद आगाज़ ही से शुरू से ही एक कॉस्मोपोलिटन सिटी रहा है। यहाँ अरब आए, तुर्की के लोग आए, ईरान के लोग आए और मुख्तलिफ मुल्कों के लोग यहाँ पे आए और ये एक कॉस्मोपोलिटन सिटी शुरू से बना है। उस दौर में यहाँ के हुक्मरान इन सब लोगों का मदद और ताउन किया करते थे और इस डेमोक्रेटिक दौर में यहाँ की आवाम जो उन्हीं अपने बड़े लोगों के कदम पे चल रही है, उन्होंने भी आते हुए नए नए वाकयात के लिहाज से जो लोग इस शहर को आते हैं उनको यहाँ खुशामदीद कहते हैं। मैं हमारे डिप्टी सीएम साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने सितंबर के महीने में कहा था कि ये लोग जो हमारे पास आए हैं ईमान और जान बचाने के लिए हम उनका भरपूर ताउन देंगे और उसी लिहाज से हमारे अमीर हल्का जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब अमीर हल्का जमा इस्लामी ने भी सबसे ये ताउन की अपील की थी कि इन रोहिंग्या के मुसलमानों और ऐसे होमलेस लोगों के लिए हैदराबाद में कोई शेल्टर होना चाहिए। तो इन दोनों हजरात की क़यादत और इन दोनों हजरात की कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। जनाब डिप्टी सी एम साहब, मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ 100 डेज में मुकम्मल हुआ है। 100 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नुसरत और बरकत से 100 दिन के अंदर 108 मकान मुकम्मल हुए हैं और इन्हें अलाट भी कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह 4 तारीख से ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसी तरह से ये बात भी है कि यहाँ जो लोग आएंगे, जो लोग हैं यहाँ पर, ये लोग वाजह तौर पर रहेंगे, सारी जो चीज़ें हुई हैं ये हुकूमत हिंद के कानून के लिहाज से भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों को यहाँ पर एक महाजिर की हैसियत से, एक रेफ्यूजी की हैसियत से, यूएनएचआरसी कार्ड की बुनियाद पर आपको यहाँ पर रखी है। तो तुम यहाँ के मेहमान हो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे कानून को तोड़ सकता है या यहाँ के इंसानों के जज्बात को ठेस पहुँचा सकता है। यहाँ ऐसे कोई मसाइल आप पैदा करेंगे जो हमारे ऑलरेडी मसाइल में और कुछ बढ़ जाएँ। तो ये सब चीज़ों की निगेबानी निगहदाश्त करना और इस पर नज़र रखना ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है कि अगर तुम यहाँ ऐसा कोई कानून को तोड़ने वाला काम करेंगे तो फिर इस मुल्क से बाहर निकालने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इस मुल्क की सारी ताकत है कि वो किसी भी गैर मुल्की को निकाल सकता है। तो इस लिहाज से मुल्क के कवानीन को पाबंदी करते हुए हम इस प्रोजेक्ट को लेके चले हैं और ये 100% ये लीगल प्रोजेक्ट है। इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं जो एक शेल्टर हाउस चलाने के लिए दरकार हैं, रजिस्टर्ड बॉडी है और सारे तफसीलात इसमें मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ हुआ है और सिर्फ ये एक ख़ास तबके के लिए नहीं है, ये के साहब दुनिया का ये मामला है कि 6 करोड़ लोग आज जो है वो बेघर हैं। तो इसको कहते हैं कि या तो मुल्कों से निकाले गए हैं या IDPs कहते हैं कि इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल कहते हैं कि फसादात की वजह से निकल जाते हैं। तो ये शेल्टर हाउस उन तमाम लोगों के लिए है, ना कि कोई ख़ास पर्टिकुलर चीज़ों के लिए है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके कुछ कवानीन हैं और हमने जिन लोगों को यहाँ पर रखा है उनमें पहली शर्त यह है कि वही लोगों को यहाँ रखे हैं जिनके पास रेफ्यूजी कार्ड है। बग़ैर रेफ्यूजी कार्ड का एक आदमी भी यहाँ मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि हम उन्हीं फैमिली को रखे हैं कि जिनके पास जिनके फैमिली मेम्बर उनमें से एक बेवा हो या यतीम हो या बुज़ुर्ग हो, ऐसे लोगों को ही यहाँ पर रखे हैं। जो हट्टे कट्टे या बेहतर अच्छे अफराद हैं उनको यहाँ पर हम नहीं रखे हैं और जिन पर किसी तरह का क्रिमिनल केस ना हो ऐसे ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पास बहुत सारी सहूलतें हैं, 100 मकान हैं, गेस्ट हाउस है, दुकान है, फिर ये सारी चीज़ जो है वो CC कैमरा के तहत है। सब चीज़ें CC कैमरा के तहत है, बायोमेट्रिक यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी तरक्की के लिए, आपकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए सब चीज़ें मौजूद हैं। मैं
और आप लोगों से ये कहूँगा कि यहाँ से इज्जत से रहें, खुशी से रहें, तरक्की करने के वास्ते इस कॉलोनी में रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मदद करेगा। मैं इन मुख्तसर बात के बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिर एक मरतबा हमारे डिप्टी सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला है। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए। Creating partnership with the needy. Vision 2026.